नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सभी को सभी का स्वागत है आज फिर से एक छोटे से ब्रीफ सेशन में। अब आरआरबी क्लर्क प्री ओवर होते ही दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे। एक तो रिगार्डिंग कट ऑफ सेफ अटेम्प्ट्स कि सर हमने जो अटेम्प्ट किया है क्या उसके हिसाब से हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग सिंह सर ने एक अच्छा लाइव सेशन ऑलरेडी ले लिया है, आपको चैनल पे लाइव सेक्शन के अंडर मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा जैसे पता चल पाए कि भाई हम सेफ अटेम्प्ट वाले जोन में हैं कि नहीं। दूसरा जो सवाल था वो था रिगार्डिंग रिजल्ट डेट कि सर रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की आदत होती है कि सर रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। ऑल दो इसके अगेंस्ट मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आपने डिसेंट अटेम्प्ट किया है तो आप मेंस की प्रिपरेशन ज़रूर करें, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन जो है वो मेंस की प्रिपरेशन करना छोड़ता नहीं है। वो पेपर जैसे दिन में देख रहा है तो शाम से ही मेंस की पढ़ाई फिर से रिज्यूम कर लेगा। तो मैं तो सजेस्ट सबको ये करूँगा कि मेंस की प्रिपरेशन ज़रूर ज़रूर करें। बाकी रही बात रिजल्ट डेट की, तो पिछले साल का मैंने चेक किया, थोड़ा एनालिसिस किया, लास्ट ईयर जो लास्ट शिफ्ट थी आरआरबी क्लर्क प्री की वो 19 अगस्त थी, जो इस बार 18 अगस्त थी, पिछली बार 19 अगस्त थी। पिछली बार जो मेंस का एग्ज़ाम था वो जल्दी था, 16 सितंबर को था, हमारा इस बार मेंस का एग्ज़ाम 6 अक्टूबर को है, ये बड़ा डिफरेंस है। पिछली बार जो रिजल्ट आया था 1 सितंबर को आ गया था, तो 1 सितंबर को रिजल्ट आया, 19 अगस्त को आरआरबी क्लर्क प्री ख़त्म हुआ और 16 सितंबर को मेंस का, तो मान के चलिए कि रफली 11-12 दिनों में पिछली बार आ गया था। बट पिछली बार मेंस का एग्ज़ाम भी थोड़ा जल्दी था इसलिए आना लाजमी था। इस बार मेरा मानना है कि जो आपका मेंस का रिजल्ट है, क्योंकि 6 अक्टूबर को जाके है तो उनको इतना जल्दी देने की ज़रूरत नहीं, तो वो थोड़ा लेट कर सकते हैं कि 10 सितंबर तक या 10 सितंबर ऑनवर्ड्स आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। उससे पहले मुझे पर्सनली लगता है कि चांसेस थोड़े कम है कि जल्दी देने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम इन्होंने इवन आरआरबी पीओ प्री का भी थोड़ा लेट रखा है पिछले साल के कंपैरिजन में, और आरआरबी क्लर्क प्री आरआरबी पीओ मेंस का भी लेट रखा है, आरआरबी क्लर्क मेंस का भी लेट रखा है। तो रिजल्ट हल्का सा थोड़ा सा आपको अभी नहीं देखने को मिलेगा, 10 सितंबर या उसके ऑनवर्ड्स देखने को मिल सकता है। तो मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूँगा रिजल्ट का वेट ना करें, सेफ अटेम्प्ट्स वाला लाइव सेशन देखें, उसमें अगर आपका रेंज में आता है तो आप मेंस की पढ़ाई स्टार्ट कर दें। मुझे पता है अभी काफ़ी बच्चों की आने वाले सैटरडे संडे को क्लर्क प्री का एग्ज़ाम है, बढ़िया, आप क्लर्क प्री की अच्छे से तैयारी करें, साथ साथ मेंस का भी कंटिन्यू रखें। ऐसा है कि नहीं सर प्री में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ठीक है आप पूरा अच्छे से प्री पे दे सकते हैं, बट कॉन्फिडेंस है प्री में, स्कोर भी डिसेंट आ रहे हैं, तो साथ में मेंस को चलने दीजिए। मेंस के लिए ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, आपको पता है यूट्यूब पे शाम को 5:30 बजे क्लास होती है, और पेड में अपना संकल्प बैच चल रहा है आरआरबी पीओ मेंस का प्रैक्टिस बैच जो 11:30 बजे क्लास है, ये दोनों क्लासेस निपटाओ। इसके साथ बढ़िया मॉक्स दो, मॉक्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको स्मार्ट कीड़ा का सजेशन दूंगा टेस्ट जोन का, तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज परचेस नहीं किया या फिर आप एक परचेस कर चुके हैं सेकेंड के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए सेकेंड के लिए फिर मेरा सजेशन स्मार्ट कीड़ा या आप टेस्ट जोन का मैं सजेशन दूंगा, और लिंक उनका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, सेक्शनल्स भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छा और मेंस का अच्छा रिलेवेंट कंटेंट वहाँ मिलता है, तो नीचे मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या बताया मैंने, 5:30 बजे यूट्यूब और 11:30 बजे पेड में अपना संकल्प, वहाँ पर भी अपने अभी रक्षाबंधन की सेल चल रही है तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाए। राधे राधे।